कैसे हो विद्यार्थी मित्रों, मैं किंजल पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। विद्यार्थी मित्रों, गए वीडियो में हमने पाठ्य पुस्तक के अंदर चैप्टर 2 बढ़ते कदम का अभ्यास किया था। आज हम स्वाध्याय पोथी के अंदर चैप्टर 2 बढ़ते कदम का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर हमें कुछ प्रश्न दिए गए, वो हम करेंगे। पहला है, गुजराती से भिन्न हिंदी वर्ण दो बार लिखिए। गुजराती से भिन्न जो हिंदी वर्ण है वो हमें दो बार लिखने हैं, यानी कि यहाँ पर हमें दिया गया है, बराबर वर्ण दिए गए हैं, तो वो गुजराती में किस प्रकार लिखते हैं और वापस हिंदी में किस प्रकार लिखते हैं वो हमें लिखना है। क, तो क गुजराती में कैसे लिखते हैं हम, इस प्रकार क, और हिंदी में क, बराबर है। तो सारे ये आपको लिखने हैं, हमने पहले चैप्टर के अंदर किया है, बराबर है। तब हम आगे देखेंगे। यह है यानी कि आ छे, वह है यानी कि पेलू छे ते छे। हमने देखा था कि नजदीक की किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं तब यह का इस्तेमाल होता है, और दूर की वस्तु हो तो उसके लिए हम वह का इस्तेमाल करते हैं। नजदीक के व्यक्ति या वस्तु के लिए यह और दूर के व्यक्ति या वस्तु के लिए वह का प्रयोग किया जाता है। नजदीक की वस्तु के लिए यह और दूर की वस्तु के लिए वह का प्रयोग हम करते हैं हिंदी में। पढ़िए और समझिए। यह पतंग है, वह पतंग है, यह पुस्तक है, वह पुस्तक है, यह घोड़ा है, वह घोड़ा है, यह आम है, वह आम है, यह मोटर है, वह मोटर है, यह बंदर है, वह बंदर है, यह डाकिया है, वह डाकिया है। यहाँ पर हमने देखा कि एक तरफ नजदीक की वस्तु है और दूसरी तरफ दूर की वस्तु है, तो यहाँ पर नजदीक की वस्तु के लिए यह है का इस्तेमाल हुआ है और दूर की वस्तु के लिए वह है का इस्तेमाल हुआ, बराबर है। अब हम इसके आधार पर स्वाध्याय करेंगे। चित्र देखकर खाली जगह में यह या वह शब्द लिखिए। यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसे देखना है और उसके आधार पर हमें यह और वह खाली जगह के अंदर लिखना है। ये पेंसिल, तो खाली जगह पेंसिल, पेंसिल नजदीक है या दूर है, नजदीक है, बराबर है। तो इसके लिए क्या आएगा, नजदीक की चीज वस्तु हो तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हाँ यह का इस्तेमाल करते हैं, तो हम खाली जगह में लिखेंगे यह पेंसिल है। यहाँ पर गाय है, खाली खाली जगह गाय, यहाँ पर गाय दूर है या नजदीक है, नजदीक है या दूर है, दूर है, बराबर है। ये लड़का जो है वो दिखा रहा है कि वो गाय है, वह गाय है, तो खाली जगह में क्या आएगा, वह, बराबर है। फिर आगे है, यहाँ पर टेबल है, खाली जगह टेबल, खाली जगह मेज है, तो यहाँ पर क्या आएगा, मेज कहाँ है, नजदीक या दूर, हाँ नजदीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, नजदीक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाँ यह का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, यह, बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पर ऐनक, ऐनक यानी कि चश्मा, चश्मा है लेकिन वो क्या है, चश्मा दूर है, तो उसके लिए हम दूर की वस्तु के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं,
हाँ बराबर है, हम क्या इस्तेमाल करते हैं, वह का इस्तेमाल करते हैं, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, वह ऐनक है, बराबर है। आगे है खाली जगह डिब्बा है, यह डिब्बा है, नजदीक है डिब्बा, बराबर है, तो ये इसलिए खाली जगह के अंदर क्या आएगा, यह डिब्बा है। यहाँ पर खाली जगह लड़की, लड़की दूर है या नजदीक है, हाँ दूर है, इसलिए क्या आएगा, वह, खाली जगह के अंदर क्या आएगा, वह आएगा, बराबर है। फिर आगे है खाली जगह फूल, ये क्या है, फूल है, वो नजदीक है या दूर है, हाँ नजदीक है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ यह, अब तो आपको आ गया है, बराबर है ना, हाँ खाली, क्या कौन सी नजदीक है और कौन सी दूर है, बराबर है, तो क्या आएगा यहाँ पर, यह फूल है। उसी प्रकार यहाँ पर साइकिल है, साइकिल नजदीक है या दूर है, हाँ दूर है, बराबर है, यहाँ से दूर है, इसलिए खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ वह साइकिल है, क्या आएगा खाली जगह के अंदर, वह साइकिल है। फिर खाली जगह खिड़की है, यहाँ पर खिड़की है, तो खिड़की नजदीक है या दूर है, नजदीक है, बराबर है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, यह खिड़की है। फिर यहाँ पर कौवा, कौवा कहाँ बैठा है, डाली पर, बराबर, वो दूर है या नजदीक है, दूर है, तो दूर के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाँ वह शब्द का इस्तेमाल करते, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, वह कौवा है। फिर आगे है खाली जगह कुत्ता, खाली जगह कुत्ता है, कुत्ता नजदीक है या दूर है, नजदीक है, इसके लिए खाली जगह में क्या आएगा, यह कुत्ता है। फिर है आगे खाली जगह पेड़ है, पेड़ क्या है, दूर है, तो इसके लिए खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ वह पेड़ है। खाली जगह कुर्सी है, यहाँ पर कुर्सी नजदीक है या दूर है, नजदीक है, इसलिए क्या आएगा, हाँ यह कुर्सी है। फिर यहाँ पर खाली जगह लड़का है, लड़का नजदीक है या दूर है, दूर है, बराबर है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, वह लड़का है, बराबर है। अभी आगे है खाली जगह में यह या वह लिखिए, बराबर है, तो अभी हमने पहले क्या ही है, तो अभी आपको ये आसान रहेगा, आपको आ जाएगा, बराबर। खाली जगह पेड़ है, पेड़ नजदीक है या दूर है, नजदीक है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ यह पेड़ है। यहाँ पर खाली जगह बकरी है, बकरी नजदीक है या दूर है, दूर है, तो दूर के लिए क्या आएगा यहाँ पर, हाँ वह बकरी है। खाली जगह गिलास है, यहाँ पर गिलास है, तो गिलास नजदीक है या दूर है, नजदीक है, तो इसके लिए खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ यह गिलास है। यहाँ पर है यह खाली जगह बादल है, बादल दूर है या नजदीक है, आसमान में है ना, हाँ तो क्या है, दूर है, तो इसलिए दूर के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हाँ यह सॉरी वह बादल है, खाली जगह के अंदर क्या आएगा, वह। फिर आगे है खाली जगह नल है, यहाँ पर नल नजदीक है या दूर है, दूर है ना, हाँ तो अभी क्या आएगा खाली जगह के अंदर, हाँ वह नल है, देखा ना, आ गया ना, आसान है ना, हाँ।
फिर आगे है खाली जगह नदी है, यहाँ पर नदी है, नदी पास है या दूर है? पास है, नजदीक है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? हाँ, वह नदी, सॉरी यह नदी है। आगे है खाली जगह पत्र है, यहाँ पर पत्र है, वो नजदीक है या दूर है? हाँ नजदीक है, तो इसके लिए क्या आएगा यहाँ पे? हाँ यह पत्र है। दूसरा है खाली जगह पतंग है, पतंग जो है वो आसमान में उड़ रही है, तो वो नजदीक है या दूर है? दूर है, बराबर है, तो अभी दूर के लिए क्या आएगा यहाँ पर? हाँ वह पतंग है। फिर है आगे खाली जगह हाथी है, हाथी दूर है या नजदीक है? हाँ दूर है, तो इसके लिए यहाँ पर क्या आएगा? वह हाथी है। फिर खाली जगह पौधा है, पौधा दूर है या नजदीक है? नजदीक है, इसीलिए खाली जगह के अंदर क्या आएगा? यह पौधा है। आपको ये याद रखना है, बराबर, आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं पर भी हाथ का निशान मतलब बताए हो और चित्र की ओर हो तो आपको ये याद रखना है कि वहां पर वह ही आएगा, बराबर है, क्योंकि वो दूर है ऐसा इशारा करता है। और जहां पर ऐसे ही दिया गया हो तो वहां पर आपको ये याद रखना है कि वो नजदीक ही है, आपको मानना है कि वो नजदीक ही है। और जहां पर आपको ये हाथ का निशान दिया गया हो वहां पर आपको ऐसा मानना है कि वो दूर है, बराबर है, क्योंकि वो उंगली दिखाकर बता रहा है कि वह पतंग है, बराबर। हम कुछ भी कभी भी बात करते हो, दूर की वस्तु के बारे में बताते हो, तो कि वहां है, हम ऐसे कहते हैं ना, वहां पर है, देखो ना वहां पर पड़ी होगी, वो देखो वो जा रहा है, बराबर, तो इस प्रकार हम बात कर रहे हैं, क्यों? तो वो क्यों दूर है, इसीलिए, बराबर है। तो इसके लिए आपको ये याद रखना है कि जहां पर भी हाथ का निशान बताया है वहां पर वह आएगा, बराबर है। फिर आगे है प्रश्न 3, यह है यानी कि एक वचन आ छे, यह है यानी कि एक का बोध होता है, बराबर, एक ही है, ये है बहुवचन आ छे, यह है और ये है दोनों का मीनिंग सेम ही होता है आ छे, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है, यह है और ये है आ छे। लेकिन यह है का इस्तेमाल कब होता है? कि जब नजदीक हो और वो वस्तु एक ही हो तब यह है का इस्तेमाल होता है। और ये है का इस्तेमाल कब होता है? कि जब नजदीक हो लेकिन एक से ज्यादा हो, वो चीज एक से ज्यादा हो, तब क्या होता है? ये है का इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह है, ये है के ऊपर बिंदी लगती है बहुवचन के अंदर, यहाँ पर एक ही है तो बिंदी नहीं लगती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बराबर है। एक वचन में बिंदी नहीं लगती है और बहुवचन में एक से ज्यादा हो तब क्या होता है? हे के ऊपर बिंदी लगती है। तो हम इसमें देखेंगे नजदीक की एक वस्तु या प्राणी के लिए यह और एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों के लिए ये का प्रयोग किया जाता है, बराबर है। तो हम देखेंगे इसमें, पढ़िए और समझिए। यह हाथी है, यहाँ पर एक ही हाथी है इसलिए क्या कहा गया है? यह हाथी है। ये हाथी हैं, एक से ज्यादा है यहाँ पर इसलिए क्या है? ये हाथी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि है के ऊपर बिंदी है और यहाँ पर बिंदी नहीं है, बराबर है। यह लड़का है, ये लड़के हैं, यहाँ पर लड़का का क्या हो गया? लड़के, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा लड़के हैं इसीलिए।
यह लड़की है, ये लड़कियां हैं। यहाँ पर एक लड़की है इसके लिए लड़की है, और यहाँ पर एक से ज्यादा है इसलिए क्या हो गया, लड़की का लड़कियां, बराबर। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एक लड़की हो तो लड़की और एक से ज्यादा हो लड़की तो लड़कियां, बराबर है। फिर यह माला है, ये मालाएं है, यहाँ पर एक माला है इसलिए यह माला है, और यहाँ पर एक से ज्यादा माला है इसलिए ये मालाएं हैं। यह पुस्तक है, ये पुस्तकें हैं, यह पुस्तक है और पुस्तकें का क्या हो गया बहुवचन के अंदर पुस्तकें, बराबर। फिर आगे है, यह कबूतर है, ये कबूतर, यह कबूतर है और ये कबूतर है। यहाँ पर कबूतर एक के लिए भी कबूतर ही इस्तेमाल होता है, और एक से ज्यादा हो तो भी कबूतर ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया है के ऊपर बिंदी आ गया, बराबर है। तो आपको ये याद रखना है। अभी हम इसके आधार पर स्वाध्याय के प्रश्न करेंगे। स्वाध्याय, चित्र देखकर खाली जगह में यह या ये शब्द लिखिए, बराबर है। खाली जगह तोता है, यहाँ पर कितने तोता है, तोते हैं, एक ही है, तो एक के लिए क्या इस्तेमाल होता है, हाँ यह तोता है। और यहाँ पर है खाली जगह तोते है, यहाँ पर एक से ज्यादा है, तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें क्या आएगा, ये तोते हैं। यहाँ पर एक कुत्ता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हाँ यह कुत्ता है, यहाँ पर एक से ज्यादा है कुत्ते, खाली जगह कुत्ते, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ ये कुत्ते हैं। फिर यहाँ पर एक से ज्यादा छाते हैं, खाली जगह छाते हैं, तो छाते के अंदर, यहाँ पर खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ ये छाते, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ये आएगा। अब यहाँ पर एक ही छाता है तो क्या आएगा, यहाँ पर हाँ यह छाता है, बराबर है। यहाँ पर एक केला है तो क्या आएगा, खाली जगह केला है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ यह केला है। यहाँ पर एक से ज्यादा केले हैं तो क्या आएगा, खाली जगह केले हैं, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ ये केले हैं। यहाँ पर दो बैल है तो क्या आएगा खाली जगह के अंदर, हाँ वे बैल, ये बैल है। यहाँ पर एक ही बैल है तो क्या आएगा खाली जगह के अंदर, खाली जगह बैल है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ यह बैल है। फिर आगे है, खाली जगह पेड़ है, यहाँ पर कितने पेड़ है, एक ही है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, यह पेड़ है, यह आएगा, बराबर है। उसी प्रकार यहाँ पर एक से ज्यादा पेड़ है तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ वे ये सॉरी ये पेड़ है, खाली जगह के अंदर क्या आएगा, ये पेड़ है। खाली जगह खिड़की है, यहाँ पर कितनी खिड़की है, एक, बराबर है, तो इसके लिए क्या आएगा, यहाँ पर एक के लिए क्या इस्तेमाल होता है, यह, बराबर है, बराबर, यह खिड़की है। यहाँ पर है खाली जगह खिड़कियां, यहाँ पर कितनी खिड़कियां है, चार, यानी कि एक से ज्यादा है, तो इसके लिए खाली जगह में क्या आएगा, हाँ ये खिड़कियां है, बराबर है। समझ में आ गया ना, आसान है, बहुत ही आसान है, बराबर। आगे है प्रश्न दो, खाली जगह में यह या ये
लिखिए, खाली जगह में हमें यह या ये लिखना है। बराबर है, पहली खाली जगह, खाली जगह दरवाजा है, खाली जगह दरवाजे, तो अभी क्या आएगा इसमें, दरवाजा यानी कि एक ही है। बराबर है, तो इसके लिए क्या आएगा, एक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बराबर है यह का, यह दरवाजा है। और दरवाजे, दरवाजे यानी कि एक से ज्यादा है दरवाजे, तो उसके लिए खाली जगह के अंदर क्या आएगा, हाँ बराबर है ये दरवाजे हैं। फिर आगे है खाली जगह फूल है, खाली जगह फूल है। अभी ये दोनों तो सेम है, अब आप इन दोनों में क्या लिखोगे, कहीं पर भी कुछ भी तो आप नहीं लिख सकते, यहाँ पर यह और यहाँ पर ये, या यहाँ पर यह और यहाँ पर ये, ऐसे तो आप नहीं लिख सकते, कैसे पहचानोगे ऐसा हुआ तो। मैंने आगे बताया है कि कैसे पहचानते हैं, कैसे पहचानते हैं, तो अगर ये दोनों सेम हो तो आपको देखना है के ऊपर बिंदी है या नहीं, अगर बिंदी नहीं है तो मान लेना है कि वहां पर एक ही वस्तु का है बोध हुआ है। बराबर है, और बिंदी अगर है तो आपको मानना है कि वहां पर दो है यानी कि एक से ज्यादा है। बराबर है, यहाँ पर देखिए कि बिंदी है यानी कि यहाँ पर एक से ज्यादा फूल है, और यहाँ पर बिंदी नहीं है तो आपको ये मानना है कि यहाँ पर एक ही फूल है। तो एक फूल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, यह। बराबर है, यह फूल है, और यहाँ पर एक से ज्यादा फूल हो, एक से ज्यादा हो तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ये का। बराबर है, ये फूल है। उसी प्रकार आगे है तीसरा, खाली जगह सड़क है, खाली जगह सड़के हैं। बराबर, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ यह सड़क है, ये सड़के, सड़क यानी कि एक ही सड़क है, और सड़के यानी कि एक से ज्यादा सड़क है यहाँ पर। चौथा है खाली जगह गाय है, खाली जगह गाय है, तो क्या आएगा यहाँ पर, हाँ यह गाय है, ये गाय है। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आएगा, खाली जगह मेज है, खाली जगह मेजे, तो यहाँ पर क्या आएगा, यह और यहाँ पर ये मेज है, ये मेजे, यह मेज है और ये मेजे है। छठा है खाली जगह पेंसिल है, खाली जगह पेंसिले है, तो यह आएगा, यह पेंसिल है, ये पेंसिले हैं। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। पहला है खाली जगह लड़का है, यहाँ पर लड़का है यानी कि एक ही है, तो उसमें क्या आएगा, यह या ये, क्या आएगा, हाँ यह आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लड़का एक ही है इसलिए खाली जगह में क्या आएगा, यह आएगा। दूसरा है खाली जगह लड़कियां हैं, यह ये, यहाँ पर लड़कियां कितनी है, एक है या एक से ज्यादा है, तो एक से ज्यादा है लड़की, क्योंकि यहाँ पर लड़की नहीं है परंतु क्या है, लड़कियां कहा गया है यानी कि एक से ज्यादा है, तो इसके लिए एक से ज्यादा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाँ ये लड़कियां है, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, ये। फिर तीसरा है खाली जगह मोटरे है, यह या ये, क्या आएगा खाली जगह में, हाँ ये आएगा, क्यों, तो यहाँ पर एक से ज्यादा मोटर है इसीलिए। चौथा है खाली जगह साइकिले है, यह या ये, कितनी साइकिले है यहाँ पर, एक या दो, एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो इसके लिए क्या आएगा खाली जगह के अंदर, हाँ ये। बराबर है, फिर पांचवा है खाली जगह मकान है, यह या ये, यहाँ पर कितने मकान हैं, एक या एक से ज्यादा, एक ही है। बराबर है, तो एक के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हाँ यह, तो खाली जगह के अंदर क्या आएगा, यह मकान है। फिर छठा है खाली जगह छाते हैं,
यह या ये क्या आएगा? तो क्या आएगा इसमें, कितने छाते हैं? एक या एक से ज्यादा है, यहाँ पर एक से ज्यादा है, इसीलिए खलजगह के अंदर क्या आएगा? ये छाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह में लिखिए। यहाँ पर कौनसे में हमें शब्द दिए गए हैं, उसमें से सही शब्द चुनकर हमें खाली जगह के अंदर लिखना है। यह खाली जगह है। चूहा या चूहे, खाली जगह के अंदर क्या आएगा? चूहा आएगा कि चूहे आएगा? चूहे आएगा। क्या आएगा यहाँ पर हमें वाक्य पढ़ना है। यह खाली जगह है। यह है का इस्तेमाल हम कब करते हैं? तो एक और वह नजदीक हो, बराबर है। तो इसमें से कौन सा है? चूहा और चूहे। चूहे नहीं, क्यों? क्योंकि वो एक से ज्यादा है, इसलिए यह नहीं आएगा। क्या आएगा? यह आएगा चूहा, बराबर। यह चूहा है। दूसरी है, ये खाली जगह है। लड़का लड़की, तो ये का इस्तेमाल हम कब करते हैं? एक से ज्यादा हो, बराबर है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा कौन है? लड़का है या लड़के? लड़का यानी कि एक, और लड़के यानी कि एक से ज्यादा, तो यानी कि लड़के। खाली जगह के अंदर क्या आएगा? लड़के। ये लड़के हैं। फिर आगे है तीसरी, ये खाली जगह है। यहाँ पर भी एक से ज्यादा की बात की गई है, तो एक से ज्यादा कौन है? गमला या गमले? गमला है? नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो एक ही है, तो क्या आएगा? गमले। गमले, ये गमले हैं, नंबर है। चौथी है, यह खाली जगह है, यानी कि यहाँ पर कितने हैं? एक ही की बात की गई है, बराबर है। तो एक कौन है यहाँ पर? कापी या कापियां? कौन है यहाँ पर? कापी एक है या कापिया एक है? हाँ, कापी। क्यों? क्योंकि कापिया तो एक से ज्यादा हो जाती है, उसके बारे में, यानी कि कापी। यह कापी है। फिर पांचवा है, ये खाली जगह है। चीटी या चीटियां, क्या आएगा यहाँ पर? एक से ज्यादा की बात की गई है, तो चीटियां, एक से ज्यादा है, ये चीटियां है। छठा है, यह खाली जगह है। नाव, नावे, यहाँ पर क्या कहा गया है? यह, यानी कि एक, एक की बात की गई है, तो यहाँ पर एक कौन है? नाव या नावे? हाँ, नाव, नाव एक ही है, इसलिए यहाँ खाली जगह के अंदर क्या आएगा? नाव, क्योंकि वह एक है। सातवां है, ये खाली जगह है। यहाँ पर कितने की बात की गई है? एक से ज्यादा हो उसकी बात की गई है, तो यहाँ पर एक से ज्यादा कौन है? बछड़ा या बछड़े? कौन है? बछड़ा है? नहीं, बछड़ा तो एक ही है, तो क्या आएगा? बछड़े, बराबर है। खाली जगह के अंदर क्या आएगा? बछड़े। फिर आठवां है, यह खाली जगह है। यह है यानी कि एक ही है, तो तितली या तितलियां, बराबर है, तितली, बराबर है। तो यहां पर क्या आएगा? यह तितली है, बराबर है। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय पोथी के अंदर आज हम यहां तक करेंगे। आशा करती हूँ कि आप सबको इसमें समझ आ गया होगा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।